आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। ये नई वैकेंसी आती है मेट्रो रेल में, और सबसे खास बात कि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, और यहाँ पे आपको वेतन मिलता है लगभग 50,000 रुपये प्रति मंथ का। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वैकेंसी है इंजीनियर के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीई या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ज़्यादा जानकारी आपको इसके नोटिफिकेशन में मिलेगी। तो अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए तथा इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। ये वैकेंसी आती है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में, और यहाँ पे दो तरह के पद हैं। पहला है असिस्टेंट इंजीनियर और दूसरा है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इसके लिए जो पद जिसके लायक है उस तरह की योग्यता मांगी गई है। इसमें दो योग्यता रखी गई है, बीई या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। ज़्यादा जानकारी आपको इसके नोटिफिकेशन में मिलेगी। यह वैकेंसी है बेंगलुरु से तथा इसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी बेंगलुरु ही होगा। इसके एज की बात करें तो एज कैलकुलेट की जाएगी 21/1/2018 को। 21/1/2018 को आपकी एज 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह फार्म ऑनलाइन तरीके से भरा जा रहा है। यह भरना शुरू हुआ है 30/7/2018 को तथा इसका अंतिम डेट है 31/8/2018। बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देना है। ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे होता है। तो इसके अलावा पे की बात करें तो यहाँ पे आपको 48,280 रुपये से लेके 55,860 रुपये की सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़िए। नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसका आवेदन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।